उपायुक्त हरिकेश मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर जिला में भारी बारिश के कारण सार्वजनिक व निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में जिला में सरकारी व निजी संपत्ति का लगभग 7,87,62,000 का नुकसान आंका गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से राहत व बचाव कार्य में तेजी लाते हुए प्रभावितों को त्वरित सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है। पिछले 24 घंटे की बारिश ने हमीरपुर जिला में 7,88,00,000 की राशि की सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति लीन हो गई है। जिला में करीब 1 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है। इसके अलावा कई सड़कें, पुल, मकान व वाहन बारिश के कारण आए सैलाब में क्षतिग्रस्त हुए हैं। वही स्कूल बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चूक भी उजागर हुई है। इस बात को लेकर प्रशासन के खिलाफ कई जगहों पर लोगों को गुस्सा भी देखने को मिला। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद सोमवार को हमीरपुर प्रशासन की लापरवाही स्कूली बच्चों व अध्यापकों पर भारी पड़ी। स्कूल लगने के बाद हुई मूसलाधार बारिश ने जहां ग्लोर के पास लोअर हडिट्टा स्कूल के अध्यापक व बच्चे खड्ड में फंस गए। वही प्रिंसिपल व एक अध्यापक समेत 4 व्यक्ति पानी के बहाव में बह गए। के बाद प्रिंसिपल सुनील कुमार, शारीरिक शिक्षा अध्यापक पवन कुमार, जमा 1 के छात्र और स्थानीय व्यक्ति सुरेश कुमार को रेस्क्यू कर लिया गया है। बर्सर उपमंडल के दंगोटा में खड्ड में बाढ़ आने से दंगोटा बाजार की 16 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं हमीरपुर शिमला मार्ग पर मैड के पास अस्थायी पुल पानी के बहाव में बह गया। वाहन को बोटा से पट्टा लदरोड बराड़ी के रास्ते में शिमला भेजा जा रहा है। जिला में पिछले 24 घंटे में हुए नुकसान का विवरण जिला प्रशासन ने जारी किया है। उपायुक्त हरकेश मीणा के अनुसार 24 घंटों में जिला में कुल 7,88,00,000 रुपए की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। इनमें करीब 1 करोड़ रुपए की फसलें, 3,61,00,000 रुपए पेयजल योजनाओं, 3,10,00,000 रुपए के नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में बिजली विभाग को 5,46,000 की राशि की चपत लगी है। उसके अनुसार अब तक बरसात के कारण कुल 45,38,16,299 की राशि की संपत्ति का नुकसान पहुंच चुका है। अभी तक लगभग 55 करोड़ के आसपास का टोटल लॉस जिला में रिपोर्टेड है और इसमें लगभग 31 करोड़ पीडब्ल्यूडी का लॉस है, 21 करोड़ अभी तक आईपीएच का रिपोर्टेड लॉस है, 1 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का रिपोर्टेड लॉस है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी 90,00,000 के आसपास रिपोर्टेड लॉस है। हम कोशिश कर रहे हैं, फसलों को वैसे काफ़ी नुकसान हुआ है और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को बोला है कि इसको थोड़ा कंपाइल करें। जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसको भी हम लोग मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि विद इन 3 डेज में रिपोर्टिंग बड़ी ज़रूरी है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका टोल फ्री नंबर है तो हम कंपाइल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो 2-3 दिन पहले कंटिन्यूस बारिश हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें 36 कच्चे हाउसेज हैं वो पार्शली डैमेज हैं, फुली डैमेज कच्चे हाउस 8 हैं। तो अभी और जैसे कल भी बारिश हुई और अभी जो कंपाइलेशन में रिपोर्ट जो कंपाइल कर रहे हैं तो लॉसेज बढ़े नहीं, बट अभी तक लगभग 55 करोड़ के आसपास रिपोर्टेड लॉस है। हाँ, डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ हाउसेज को डैमेज है या कैटल्स कुछ जगह पे उसमें लाइव स्टॉक का लॉस है, वहाँ हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स गए हैं और रात रात ही जो टेम्परेरी पूरी राहत होती है वो दी है और जो प्रोसीजर उनकी जो सारी रिपोर्ट बनाने के बाद जो भी रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग राहत होती है वो हम देंगे। वो कल टूटा था क्योंकि पुल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मेड़ पे के पास में और अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के साथ में जो टेम्परेरी अरेंजमेंट उन्होंने थ्रू पाइप्स का कर रखा था रोड का, वो कल बह गया था तो हमने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है और आज शाम तक उसको खोल देंगे, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। मैं मेरी एक्शन एन एच से बात हुई है तो शाम को 6 बजे तक उन्होंने प्रमिज किया है कि हम लोग व्हीकल्स के लिए थ्रू कर। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।